अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सब मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पसंद करने के साथ साथ आप मेरे मतलब व्यूवर्स तो हैं ही हैं, लेकिन सब्सक्राइबर भी बन जाइए, क्योंकि जो है 57 या 58% लोगों ने जो है सब्सक्राइब ही नहीं किया, मतलब 100% में से हम बता रहे हैं। तो YT पे जाके पता चल जाता है कि कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो प्लीज़ उनमें शुमार मत होइए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी विद बेल करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से बोलते हैं कि जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, घुसा मार के करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। लेकिन इस बात का जो है कोई भी असर नहीं है। तो यार प्लीज़ आपके जेब से कोई पैसे नहीं जाने हैं। तो अभी अभी तुरंत जो है जो लाल बटन नज़र आ रहा है उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के साथ करिएगा। तो वहाँ पर तीन तरह की बेल आपको नज़र आती है, और जिस पे दोनों तरफ हशिया ऐसा बना हुआ है उसी पे आपको बेल को प्रेस करना है, यानी ऑल पे करना है। और जान रहे हैं जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है, लेकिन ये महीना गम का भी होता है, क्योंकि जो है इस महीने में इस्लाम के लिए, दीन के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है शहीदाने करबला में अपनी जान दे दी थी। और हमें लगता है आज मुहर्रम की 6 है शायद। आज मुहर्रम की कितनी है? आज मुहर्रम 6 कि 5 4? तो जो है एक परसों हमने खीर पे नियाज दिलवाई थी और कल जो है मलीदे पे। तो वो सारी वीडियोज़ अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो ये जो है महीना ऐसा होता है कि आप जो है गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लंगर जो है बनवा कर बंटवाइए। कुछ लोग बिरयानी बंटवाते हैं, कुछ लोग शबील लगवाते हैं, शरबतों का इंतज़ाम करते हैं, और मलीदा बनता है घरों में जो है, नज़र फातिया होती है, मतलब जिसको जो समझ में आता है वो जो है करता है। और अब तो 2 साल से कोरोना की वजह से जो है मुहर्रम वगैरह का इतना ज़्यादा शोर शराबा भीड़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है आप घर से जो गरीबों के लिए हेल्प कर सकते हैं वो लाजमी करिए। तो जो है चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और हमने पूरा दिन जो आपके साथ शेयर करते हैं, और इसमें 2 दिन की वीडियोस होंगी, यानी जुमेरात की और जुमे की। और अब की जो जुमेरात पड़ा था वो नचंदी का था। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी विद बेल। चलिए वीडियो को इन्जॉय करिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। मिलते हैं वीडियो में आखिर में आपसे। तो सुबह हो चुकी है, और सुबह की शुरुआत अमूमन सभी की पूरी दुनिया में चाय से होती है, और ये चाय कमबख्त हम सब इसके जो है ग़ुलाम हैं। देश तो हमारा आज़ाद हो चुका है, और 15 अगस्त भी आ रहा है और कल ही है, लेकिन देश तो आज़ाद हो गया और हम सब खुलकर सांसें ले रहे हैं, लेकिन इस चाय की ग़ुलामी हम लोगों ने अभी तक नहीं छोड़ी है, जबकि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और कहते हैं रिश्तों को चाहे जितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये नायलॉन की डोरी, चाहे आप इसे धूप में बांधें तो बहुत जल्दी से एक्सपायर हो जाती है, और अगर छाया में है तो कुछ गनीमत होती। खैर ये 1 साल से ऐसी बंधी हुई थी, तो पापा जी जो है इसे सही कर रहे थे, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और मेरे यहाँ अभी भी बारिश हो रही है। तो कपड़े जो है धूप में सुखाना, धूप निकलेगी नहीं बारिश में तो इंसान सुखाएगा कहाँ से, तो फिर घर में ही जो है कुछ एहतमाम करना पड़ता है कि कपड़े सूख जाएं। और जानू जो है आए हुए थे सुबह सुबह, और रात को डिनर में बिरयानी बनी थी, और जानू की क्या, मेरे यहाँ घर में जितने भी बच्चे हैं सबको बिरयानी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जानू बिरयानी खा रहे हैं। और आज जो है इरादा हो रहा है कि चने की दाल का पराठा बनाया जाए, और मुहर्रम का महीना चल रहा है जैसा आप जान रहे हैं, तो कुछ नज़र न्याज का भी मामला है, तो यहाँ पर खीर बनेगी और खीर पे नज़र हो जाएगी। तो हमने कहा जब खीर बनी रही है तो आप दाल का पराठा भी बना लो। तो यहाँ पर जो है चने की दाल जो है तकरीबन हमने 1 पाव ले ली है, उसमें ज़ीरा डाल दिया है और नमक डाल दिया है, और यहाँ पर जो है काली मिर्च, लौंग, और 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची,
जो है कूट करके दरदरी करके डाल दी है, और थोड़ा सा जो है लहसुन अदरक डाल देंगे, सूखा मिर्चा डाल देंगे, तो ये बहुत मज़े का पराठा बनता है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इस तरह से बना के देखिएगा। और दो इसके अंदर सूखे मिर्चे भी हमने तोड़ करके डाल दिए हैं। अब इसमें जो है एक गिलास पानी डालेंगे, और जो है इसे अब हम प्रेशर लेंगे। दाल को हमने पहले से ही ओवरनाइट भिगो दिया था, तो इस वजह से जो है जल्दी से हमारी दाल कुक हो जाएगी। और इसमें हमने 1/4 टीस्पून जो है हल्दी भी डाल दिया, इससे जो है दाल जब उबलेगी तो इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। तो इसे पीस करके ठंडा हो जाएगा, तो इसे हम पीस लेंगे सिलबट्टे पे या मिक्सर में, और उसके बाद फिर पराठे बनाना शुरू करेंगे। एक तरफ खीर बन रही है, खीर की रेसिपी हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमें किचन का प्लेटफॉर्म हम साफ़ करते चलते, ताकि किचन ज़्यादा मैसी ना हो। और एक अच्छी ख्वातीन की यही निशानी होती है कि काम किचन का समेटते चलें, बिखेर के ना रखें। कुछ लोग किचन में इतना सामान फैला देते हैं, डिब्बा इधर, झूठे बर्तन इधर, तो मेरा सारा काम एक साथ होता रहता है। तो तकरीबन ये 3 पाव दूध है, यानी आधा किलो से ऊपर। तो यहाँ पर जो है हमने 1 मुट्ठी चावल भी वो दिया था, उसमें 2 इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है उसके दाने, और काजू बादाम अखरोट डालकर पीस लिया था। और उसके बाद जो खीर बना ली थी, शक्कर डाल दिया था हसबे जायका, जैसे आपको मीठी और फीकी रखनी है। तो खीर पे फातिया हो चुकी, अम्मी ने कर दिया है, तो पराठा भी गरम गरम बन गया था। और मेरे घर में बच्चों को, हम लोगों को सबको दाल का पराठा और खीर खाना बहुत पसंद है, लेकिन वाहिद ज़िया ऐसे हैं जिन्हें सूजी के हलवे के साथ जो है ये पराठा अच्छा लगता है, और खीर देखते ही उनको अजीब सा कुछ होने लगता है। तो हमने कहा दूध किसी भी फॉर्म में, बच्चों की जिस्म में, चाहे बड़ों के बुज़ुर्ग, दूध तो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है और दूध जो है लेना चाहिए, लेकिन ये लोग पीते ही नहीं हैं। तो हमने कहा कि अगर 6 महीने में एक बार पराठा और खीर बन जा रही तो आप खीर खा ही सकते हो। फ़िलहाल हमने डांट के और समझा के खिला दिया था। और जुमे का दिन, और रोज़ी भी जो है आई हुई थी, कहने लगी हम जा रहे नहा करके आएंगे। ज़िया नहा चुके हैं, और जो आपने खीर वाली भी क्लिप देखी वो जो है एक दिन पहले की है, यानी जुमे रात की, और ये जुमे का क्लिप है 11 बजे का। 11 बजे से हमने शूट करना शुरू किया था, और उसके बाद खूब बारिश हुई। आजकल बारिश हो रखी है, मौसम बहुत खूबसूरत और प्यारा हो रहा है, और इस तरह का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पूरा दिन बरसता है तो फिर किच किच होने लगती है, और फिर जो है अच्छा नहीं लगता है। तो जो है बारिश की आवाज़ सुनकर हम आ गए थे बाहर देखने के लिए कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है, क्योंकि हम नीचे ही बैठे थे। जब ऊपर रहते हैं तो ऊपर तो पता चल जाता है कि बारिश हो रही है, लेकिन जब नीचे के रूम में बैठे रहो तो कुछ एहसास ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब बारिश तेज़ होती है और उसका शोर सुनाई देता है, सोचिए इतनी ऊपर से बूंदें गिरती हैं ज़मीन के ऊपर, तो उसके अंदर एक अपना ही जो है अपनी ही धुन होती है, अपना ही सरगम होता है। तो उस सरगम की आवाज़ सुने सुने हम बाहर आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है। और चलिए किचन में चलते हैं, तैयार करते हैं आज दो डिशेस। तो ये सारी डिशेस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और यहाँ क्या बनने जा रहा है ये तो बता ही सकती हूँ अगर रेसिपी पूरी फुल नहीं शेयर कर रही तो। और यहाँ पर जो है बनने वाला है लौकी का कोफ्ता और कढ़ी। तो हमने अपने बहू से कहा बनाओ और आज हम शूट करते हैं। तो ये सारी मेहनत जो है शूट भी बेचारी उसी ने किया, और हम तो नीचे ही थे क्योंकि कोई आया था शायद, तो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है सारी तैयारी हो जाएगी, और सिंपल सिंधी कढ़ी जो होती है वो बन रही है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक और थोड़ा सा जो है ज़ीरा जो है, और 2-4 दाने काली मिर्च के पीस लिए जाएंगे, और जो लौकी के कोफ्ते का मसाला वो भी तैयार कर लिया जा रहा है। क्योंकि किचन में काम, मतलब अगर आप कुकिंग करने जा रहे हो तो आप पहले से ही जो है सारी तैयारियां कर लो, तब चूल्हा जलाओ, तो इससे आपके वक्त की भी बचत होती है और जो है काम भी आपका फटाफट से हो जाता है। रोज़ी अभी यहीं थी, ऊपर आ गई थी, तो हमने कहा खैर चलो जाओ 12 बजे से पहले नहा लो, जुमे के दिन आप जितनी जल्दी नहा लो उतना ही अच्छा है।
तो यहाँ सारे मसाले जो है तैयार हो रहे हैं, और बहुत देर से सोच रहे थे कि आप तक ये वीडियो एडिट करके पहुँचाऊँ, वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दानिश की रिपोर्ट आई, दानिश की तबीयत कैसी? यार दानिश की तबीयत अच्छी नहीं है, और मेरा बाबू बीमार है, सोकर सुबह उठता है तो उसके चेहरे पर स्वेलिंग रहती है। खैर इतनी मुश्किलों से उसने टेस्ट कराया, पूरा अस्पताल उसने सर के ऊपर रख लिया था, तो फिर जो है उसका टेस्ट हुआ किसी तरह से। एक घंटा लग गया खाली उसका जो है हाथ से ब्लड निकालने में, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था इंजेक्शन से। तो खैर रिपोर्ट आ गई है कल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको यूरिन इन्फेक्शन निकला, इसलिए शायद उसके फेस पे जो है स्वेलिंग हो रही थी। और भी सारे उसके टेस्ट जो हुए थे वो रिपोर्ट नॉर्मल है, बस ये डॉक्टर ने कहा है कि हम 5 दिन जो है आपको 5 दिन की दवा लिख रहे हैं, आप इसे खिलाइए, अगर इससे भी चेहरे की स्वेलिंग नहीं जाती है तो जो है फिर आप लेकर के आइएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर पांडे बैठते हैं जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं को हम लोगों ने दिखलाया है। तो चलिए फिर फटाफट से कढ़ी बनाते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये दही है, और दही आप खट्टा ही लीजिएगा, थोड़ा सा खट्टा रहता है तभी जो है कढ़ी का मज़ा आता है। तो दही को आपको अच्छे से फैटना है बेसन के साथ, और हम तो अब ये मेरी बहू बना रही, वरना हम जो मिक्सर का बड़ा वाला जार होता है तो उसमें दही बेसन पानी लहसुन अदरक हल्दी मिर्च धनिया और मतलब ये इतनी नमक हम बाद में डालते हैं, तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सर में घुमा लेते हैं तो इसमें लम्स नहीं रहता। खैर उसने इसी तरह से फैट लिया था तो इसमें भी लम्स नहीं था, लेकिन वो सबसे ईजी तरीका होता है आपको दही और बेसन और सारी चीज़ें फैटने का। तो यहाँ पर जो है बेसन दही सारी चीज़ें ले ली हैं, और ज़्यादा कढ़ी हम लोगों ने नहीं बनाया था, सिर्फ़ जो है एक दो लोगों को खानी थी, ज़्यादा को कढ़ी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या डालना है, और इसको अच्छे से चला लेना है, और इसको खूब खदबद 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 पकाना है। और कढ़ी कहते हैं जितनी कड़ती है उतनी ही मज़े की बनती है, और कुछ लोग पहले डबल तड़का लगाते हैं, लेकिन हम डबल तड़का नहीं लगाते हैं, पहले इस तरह से सारी चीज़ें डालकर चढ़ा देते हैं। कढ़ी खूब पकती है, खूब पकती है, तकरीबन 1 घंटे तक तो कढ़ी पकनी ही चाहिए, तभी कढ़ी का जो है मज़ा आता है। और कुछ लोग कढ़ी इतनी गाढ़ी कर देते हैं, यार बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता है, हमें अच्छी लगती है ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, तब मुझे अच्छा लगता है। और अब कढ़ी चढ़ा दी है, मैंने बताया ना ज़्यादा नहीं बना रहे, सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए कढ़ी बनेगी, तो बस उस हिसाब से हमें सामान लेना है। और यहाँ पर जो है पकौड़ियाँ भी, पकौड़े शकौड़े भी तो पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कढ़ी को अकेले नहीं पकाना चाहिए, उसके साथ पकौड़े या कोई चीज़ शामिल कर देना चाहिए। कुछ लोग तो चिकन कढ़ी भी बनाते हैं, और वेजिटेबल भी कढ़ी बनती है, तो अगर आप कहोगे तो आपके साथ लाजमी हम शेयर कर देंगे, वो भी रेसिपी है। तो यहाँ पर बेसन ले लिया है, तकरीबन जो है 1 कप है, और इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और हल्दी मिर्च और नमक। तो आप इसमें जो है कुटा हुआ ज़ीरा धनिया भी डाल सकते हैं, प्याज भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो यहाँ पर पानी डाल के इसका बैटर तैयार करके अच्छे से बेसन को फेंट लेंगे, और इसके जो है फिर पकौड़े तैयार कर लेंगे, और कढ़ी को भी चलाते रहना वरना इसमें लम्स पड़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पानी डाल के पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। तो चलिए तक बेसन हमारा फूलता है, फेंट दिया है, फूलता है और तैयार होता है, तक हम लौकी को जो है कश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लौकी का छिलका जो है उतार लिया है, और लौकी के कोफ्ते हम सबको बहुत पसंद हैं, तो जो है यहाँ पर लौकी को अच्छे से जो है छील करके हमें कश कर लेना है। और आप सब से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और कि दानिश के लिए खूब अच्छी सी खूब ढेर सारी दिल से दुआ करिए कि दानिश हमारे जल्दी से अच्छे हो जाएँ, सेहत याब हो जाएँ, और अल्लाह पाक उन्हें जो है अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो यहाँ पर बेसन जब हमारा कश हो गया, उसको धुल के उसका पानी हमें हथेलियों से बहुत अच्छे से निचोड़ के निकाल देना है, वरना आपके जो ये लौकी का पानी है वो सारा मज़ा किरकिरा कर देगा। तो यहाँ पर जो है लौकी बेसन हरी मिर्च धनिया हल्दी मिर्च और जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये सारी चीज़ें डाल करके और हमें जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मिला करके इसके हमें जो है अच्छे से छोटे छोटे गोल गोल जो है शेप में कोफ्ते के शेप में पकौड़े जो है इसके तैयार कर लेने, यानी कोफ्ते हमें तैयार कर लेने, फ्राई कर लेने। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ पर जो है लौकी के कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। और इस रेसिपी को हमने पहले भी जो है आपके साथ जो है शेयर किया है,
और प्लीज़ मेरा घर सड़क पे है, इसलिए आपको हमेशा जो है कुत्ते की भौंकने की आवाज़ और कुछ ना कुछ व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ निकला करती हैं, कबाड़ी वाले, कभी दूध वाले, कभी सब्ज़ी वाले, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और माशाल्लाह मेरे घर भी कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए गेट बार बार खुलता है बंद होता है ऐसा है, क्योंकि हमारी अम्मी जो हैं सोशल वर्कर हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें दिन भर में चक्कर लगाया करती हैं। कभी मैं आपको दिखलाऊंगी। तो कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए थे, और चलिए अब कोफ्तों का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले और प्याज ऑयल होने पर डाल दिया है, और ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, और थोड़ा सा जो है गरम मसाला यानी कि एक इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी लकड़ी, जायफल, ये सारी चीज़ें हमने पीस लिया था। तो यहाँ पर वो मसाला जो पीसा हुआ था प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया है, और इस मसाले को अब अच्छे से हम भुनने देंगे, ठीक है। और इसके अंदर अब वही हमारे रोज़मर्रा के डेली स्पाइसेस जो पीसे हुए होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया। तो आप सब मेरे बहुत ही समझदार सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है कौन चीज़ कितनी लेनी है। आपके यहाँ जितने फ़र्द हों, आपको पकाना तो हमसे भी अच्छा आता होगा, लेकिन सबका मेथड थोड़ा अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप हमसे अच्छा पकाते हों, ये आपके लिए मेरी रेसिपी नहीं हो, आप मेरी वाली ट्राई करिए, और आपकी भी जो होगी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें और क्या चीज़ें आप डालते हो, ताकि मैं भी ट्राई करूँ, मुझे भी अच्छी लगे। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो प्लीज़ जो है इंस्टा पे मुझे फॉलो करिएगा, इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, और इसकी पिक भेजिएगा ताकि मैं अपनी स्टोरी में इसको शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले डाल दिए, और कश्मीरी मिर्च डालना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी का कलर बहुत 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 ज़बरदस्त आता है। तो चलिए मसालों को अब हम भुनने देते हैं, और मसाला हमारा देखिए अच्छे से भुन गया है, 15 मिनट हो चुके हैं, और तेल मसाला अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जनाब पानी, जैसी ग्रेवी आपको रखनी वैसी आप जो है इसको जो है थिक या पतला जैसा आप रखना चाहें वैसा रखिए, और इसको चला देंगे अब। और जो ये मतलब शोरबा है इस पर एक बॉयल आने देंगे, और उसके बाद जो है जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे हैं उन्हें कैसे डालना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब जो है चलिए भाई कढ़ी का भी तो हाल चाल ले लें तो जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, चलिए उसी में फटाफट से पकौड़े शकौड़े जो है फ्राई करते हैं। तो ये वही बेसन का बैटर है जो हमने जो है तैयार करके रख दिया था, और देखिए हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो इन पकौड़ों को भी हम फ्राई कर लेते हैं, और कढ़ी भी हमारी तकरीबन 1 घंटे से खतपत 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 पक रही है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके पकने पे इसी तरह का जो है सरगम निकलता है, म्यूज़िक निकलती है। तो ये देखिए हमारा जो शोरबा है यानी ग्रेवी है काफ़ी देर से 5 मिनट से पक रही है। अब इसमें फटाफट से हम फ्राई किए हुए कोफ्ते जो लौकी के थे, मज़ेदार, लजीज, बहुत ही अच्छे मज़े के, वो हमने इसमें डाल दिया है। और हम ऐसे ही इसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं यार, अगर आपके बच्चे भी लौकी खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके बच्चे लाजमी खाएंगे और उंगलियां चाट चाट कर करके खाएंगे। और इन दोनों रेसिपीज़ के साथ ज़ीरा राइस बहुत अच्छा लगता है। तो कुकर में हमने जो है ज़ीरा राइस बना लिया जो फटाफट से तैयार हो जाता है। तो अगर आप कुकर में चावल बना रहे हैं, अगर आपका चावल 1 गिलास है तो आप जो है इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डालिए, क्योंकि जो 1.5 गिलास पानी डालिए, सॉरी, अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप 2 गिलास डालिए, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 गिलास। तो यहाँ पर जो है कढ़ी तैयार हो चुकी है, चलिए फटाफट से तड़का तैयार करते हैं। इसके अंदर हींग, ज़ीरा और जो है सूखा मिर्च और करी पत्ता, अजवाइन, ये सारी चीज़ें हमने डाल करके देखिए बेहतरीन सा जो है तड़का लगा लिया है कढ़ी में। तो ये हमारी कढ़ी है, ये कोफ्ता है और ये चपाती है। तो बहुत मज़े का था, और आज जो है दोपहर का लंच करके मज़ा आ गया तो ये 2 दिन की वीडियोस थी, यानी जुमेरात की और जुमे की, और जो आपको मिलेगी सैटरडे में। और यहाँ पर जो है रोटी और लौकी का कोफ्ता हमने खा लिया है, और कढ़ी तो चावलों के साथ ही मज़ा आती है। तो बाहर बारिश हो रही थी, और इधर जो है बारिश की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, कढ़ी चावल हम खा रहे थे और लौकी का कोफ्ता। तो दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होगी, आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अम्मी जान हमारी किचन में मसरूफ़ हैं, कुछ बना रही हैं, अब क्या बना रही हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहीं पर इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।